जब भी बात आती है तो हमें जो है सिंपल सोवर सी साड़ीज चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में जितनी भी साड़ीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो सारी की सारी सिर्फ फेयरवेल के लिए हैं। आप किसी भी मतलब वेडिंग फंक्शन में, पार्टीज में या फिर किसी भी ओकेजन में आप उन्हें पहन सकते हैं। अदर वीडियोज में भी और इस वीडियो में भी आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज मिलेंगे ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होते हैं उनके। तो अगर आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम बिना ज्यादा देर करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की मीशो की पार्टी वेयर साड़ीज का हॉल। सभी साड़ीज का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस के साथ वाला, और यहाँ पे आप जो साड़ी का फैब्रिक है उसका नाम देख सकते हैं, साड़ी का क्या फैब्रिक है, ब्लाउज का क्या फैब्रिक है। और ये है हमारी फर्स्ट साड़ी और इसे आप देख सकते हैं, ये मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है। अभी इस टाइम पे मैं आप लोगों को इस साड़ी का ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ। ये क्रीम कलर में है और इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है, इस बॉर्डर में एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। और ये जो आप मिरर वर्क टाइप का देख रहे होगे ये प्लास्टिक के मिरर हैं। यहाँ से हमारी ये साड़ी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें तीन कलर यूज करे हुए हैं, ये क्रीम कलर दिया हुआ है, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे इसमें यहाँ पे हल्का सा पिंक कलर है, और जैसे ही हम नीचे पूरा एंड में आ जाएंगे यहाँ पे आप देखोगे कि डार्क पिंक दिया हुआ है। और ये जो साड़ी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी है। और ये स्टार्ट हो गया इसका आँचल, और यहाँ पे भी सेम बिल्कुल प्लेन इसका आँचल दिया हुआ है, बस तीनों साइड में इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है। इस साड़ी का मुझे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद आया, तीन कलर में ये साड़ी जो दी हुई है बहुत ही अच्छे कलर इसमें यूज़ करे हुए हैं मिक्स एंड मैच करके। और जल्दी से आप लोग भी देख लीजिए कि ये पहनने के बाद में कैसी लगती है। देखते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी मैंने फेयरवेल के लिए ही सेलेक्ट करी है क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन साड़ीज मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये साड़ी जो है फेयरवेल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और इस पूरी साड़ी में ये बॉर्डर यूज़ करा हुआ है, बाकी पूरी साड़ी जो है ये प्लेन है। और अभी मैं इस टाइम पे आपको इस साड़ी का पल्लू दिखा रही हूँ, पल्लू से ये साड़ी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसका हल्का हल्का सा शाइनी सा फैब्रिक है, और यहाँ पे जैसे ही हम ऐसे ही जाएंगे तो ये पूरी प्लेन साड़ी हमें रिसीव हुई है। इसी के साथ में अटैच इसका ब्लाउज पीस आया है, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसके ये जो ब्लाउज है ये फ्रंट की साइड का डिज़ाइन दिया हुआ है, इसमें एम्ब्रॉयडरी करी हुई है और वही प्लास्टिक के मिरर लगाए हुए हैं। सो ये हमारी सेकंड साड़ी पहनने के बाद में कैसी लगती है इसको देख लेते हैं। हमारी थर्ड साड़ी और इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है। ये वेलवेट फैब्रिक में है और यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ये बॉर्डर का डिज़ाइन दिया हुआ है प्यारा सा, इसमें ये जो बॉर्डर बनाया हुआ है ये थ्रेड वर्क किया हुआ है इसमें, और बीच बीच में छोटे छोटे से सीक्वेंस लगाए हुए हैं। तो यहाँ से ही हमारी साड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है, ये है इसका पल्लू, और यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों साइड में हमें ये गोल्डन कलर का बॉर्डर रिसीव होता है। वेलवेट का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा होता है, और ठंडियों के टाइम पे अगर हम इसे पहनते हैं तो हमें जो है ठंडा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये और अदर साड़ियों से थोड़ा सा हैवी फैब्रिक होता है। और यहाँ पर हम इस साड़ी में देखेंगे कि ये इसका ब्लाउज अटैच आया है, और इसमें एक साइड में हमें ये सेम वही डिज़ाइन दिया हुआ है बॉर्डर का, इसे हम जैसे स्लीव्स वगैरह लगाते हैं यहाँ पे तो हम स्लीव यहाँ पे लगा सकते हैं इस डिज़ाइन से, और ये जो है पूरा प्लेन फैब्रिक है। और इसके साथ ही में हमें रिसीव होती है ये बेल्ट, और ये सेम वही डिज़ाइन है इस पूरी बेल्ट का जो अभी तक इस साड़ी का था, यहाँ पे बॉर्डर में सेम वही डिज़ाइन है। और जल्दी से इसको पहन के देख लेते हैं कि ये पहनने के बाद में कैसा लुक देने वाली है।
अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुई है, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसी कलर में अवेलेबल थी, इसका अदर कलर वहाँ पे नहीं था। इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट, और इसमें ये सीक्वेंस वर्क यूज करे हुए हैं। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो हल्का कलर हमें मिलेगा, और जैसे ही हम नीचे नीचे जाते रहेंगे तो हमें ये डार्क ब्लू कलर रिसीव होगा। सो इसी टाइप से इस पूरी साड़ी में यही सीक्वेंस वर्क दिया हुआ है और यही कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सो ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी नाइट पार्टीज के लिए। डे पार्टीज के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी पहनना, क्योंकि इसमें जो है सीक्वेंस वर्क है और इसका जो अच्छा लुक आने वाला है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर सा, वो नाइट की पार्टीज में ही आने वाला है। सो नाइट की पार्टीज के लिए आप इसे पिक कर सकते हो, दिन की पार्टीज में ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस टाइप की साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल, अमाउंट इसका मुझे बहुत ज़्यादा लगा है, तो अदर सेलर्स पे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि अदर सेलर्स पे इसका जो प्राइस है वो आपको कम मिले। अभी जिस प्राइस में मैंने इसको मंगाया है उस हिसाब से मुझे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये मुझे इसके ब्लाउज का कपड़ा रिसीव हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम वही सीक्वेंस वर्क इसमें किया हुआ है, सेम उसी डिज़ाइन से। और इसका जो पूरा फैब्रिक है ये ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू कलर में। सो ये थी हमारी पार्टी वेयर साड़ी, और इसको देख लेते हैं कि ये पहनने के बाद में कैसी लगती है। हमारी नेक्स्ट साड़ी, इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये ब्लैक में और रेड कलर में मुझे रिसीव हुई है। ये इसका ब्लाउज रिसीव हुआ है मुझे, इसके साथ में ये दो ब्लाउज के पीस रिसीव हुए हैं। एक ये फ्रंट साइड में इस टाइप का डिजाइन होगा, इसमें आप देखोगे कि रेड कलर यूज करा हुआ है, ये थ्रेड वर्क किया हुआ है। और साथ में मुझे ये रिसीव हुआ है बैक साइड के लिए, इसमें हमें अस्तर लगवाना पड़ेगा। ये बहुत ही हल्का कपड़ा हमें रिसीव हुआ है। और अब देखते हैं इसकी साड़ी, साड़ी इसकी जॉर्जेट फैब्रिक में है, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है। इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें ये थ्रेड वर्क किया हुआ है। बहुत ही हल्की सी साड़ी है, बिल्कुल जैसे जॉर्जेट का ये कपड़ा है, आप देखेंगे कि जॉर्जेट की साड़ी है ये, बस इसमें ये हल्का सा थ्रेड वर्क किया हुआ है। और मुझे थोड़ा सा ये इसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो अच्छा नहीं लगा है, मतलब मुझे इसका इमेज में बॉर्डर बहुत ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था, और लेकिन जब अभी मुझे रिसीव हुआ है तो जब हम इसे टच कर रहे हैं तो हमें ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही है इसकी। बाकी इसे पहन के देखते हैं कि ये पहनने के बाद में कैसी लगती है। हमारी आज की लास्ट साड़ी, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ये मुझे कुछ ऐसी रिसीव हुई है। इस अमाउंट में मुझे ये बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। मैंने इसको मंगाया, मैं थोड़ा सा डाउट में थी कि इसका जो फैब्रिक है इतने प्राइस में अच्छा आएगा भी या नहीं, लेकिन आप यहाँ पे इसकी शाइन वगैरह देख सकते हो कि कितनी अच्छी दी हुई है, और कड़क फैब्रिक नहीं है ये, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, और मतलब बिल्कुल प्लेन है ये साड़ी, इसलिए शायद इसका अमाउंट इतना कम है, क्योंकि ये बिल्कुल हमें एक कपड़ा होता है ना जैसे वैसा रिसीव होता है। और अगर आपको ये प्लेन साड़ी पहननी है बिल्कुल, तो आप इसे प्लेन साड़ी भी ऐसे ही पहन सकते हो, या फिर अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हो, मतलब आप अलग से बॉर्डर लेके आप इसमें लगवा सकते हो अपनी मर्जी का, बट ये जो है प्लेन ही काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके अदर अदर कलर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी करा हुआ था, तो मुझे ये जो है इस अमाउंट में बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा। अगर हम कुछ हैवी सी साड़ी वगैरह खुद से तैयार करना चाहते हैं तो हम इस तरीके का फैब्रिक मटेरियल ले सकते हैं और इसमें डिज़ाइन वगैरह लगवा सकते हैं खुद से। और इसके साथ में मुझे रिसीव होता है ये ब्लाउज का कपड़ा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर में है और गोल्डन कलर में है। सो जल्दी से देख लेते हैं ये पहनने के बाद में कैसी लगने वाली है।
ये था हमारा आज का मीशो की पार्टी वेयर साड़ीज़ का हॉल, और ऐसे ही अदर अदर जो प्रोडक्ट हैं उनके रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।